186 अंक की बढ़त के साथ खुला। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 38,949 नए केस, 542 लोगों ने गंवाई जान। गुरुग्राम में खुले 9वीं और 12वीं तक के स्कूल, कोरोना नियमों का रखा जा रहा खास ख्याल। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। एमपी में विदिशा के लाल पठार गांव में 12 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 3 शव बरामद। करते शुरुआत उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज से 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रही हैं। लखनऊ प्रवास के दौरान वो पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों और जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। प्रियंका विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं से बातचीत भी करेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के संयोजक अशोक सिंह ने बताया कि प्रियंका दोपहर 12 बजे दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगी। एयरपोर्ट से वो आलमबाग से होते हुए विधान भवन के रास्ते से जीपीओ स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। माल्यार्पण के बाद वो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी। 17 जुलाई को वो अमेठी और रायबरेली के ब्लॉक प्रमुख अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगी। इसके बाद प्रतियोगी छात्रों, बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ भर्ती घोटाले और रुकी हुई भर्तियों के संबंध में बैठक करेंगी। इसके अलावा वो कुछ अन्य लोगों से भी मिलकर चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंच रही है। 3 दिन वो यूपी में ही रुकेंगी। लखनऊ में ही रुककर वो तमाम विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, क्या जमीन मान लीजिए एक तरह से मजबूत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी सालों से जिस तरह से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी पैट कमजोर करी है उसको एक बार फिर से मजबूती देने के लिए प्रियंका गांधी का ये आगमन बहुत अहम माना जा रहा है, जिसके लेके कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश है। होर्डिंग्स लगाई गई हैं चौराहों पर, साथ ही साथ प्रियंका गांधी के आगमन के लिए कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ दौरे पर आ जा रही हैं। दोपहर 12 बजे तक वो लखनऊ पहुंच जाएंगी, जिसके बाद वो चारबाग के रास्ते से होते हुए अपने कार्यालय पहुंचेंगी, जहां पर उनके आगमन को लेकर उनका कार्यालय भी बिल्कुल सही कर दिया गया है, यानी कि बैठक भी होगी कार्यकर्ताओं के साथ, आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करी जाएगी जिसके चलते कांग्रेस की पैठ कमजोर हुई है। तो जमीन मजबूत करने के लिए, अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ से चुनावी बिगुल फूंकने वाली हैं, यानी कि तैयारियों को लेकर अब वो नई रफ्तार कांग्रेस पार्टी को देने वाली हैं। तो नया मंत्र लेकर आई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, और वो मंत्र क्या है वो आज कार्यकर्ताओं के साथ साझा करेंगे, जिससे कि आगामी विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस को मजबूती मिल सके। प्रियंका गांधी वाड्रा का यह आगमन कई पहलुओं में अहम माना जा रहा है, चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसी पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शमशाद जुड़ चुके हैं। शमशाद, क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 12 बजे तक प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेंगी और तमाम आयोजन भी रखे गए होंगे, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी, आपको बता दें कि आज जो है 12 बजे उनकी एयरपोर्ट वो पहुंच जाएंगी प्रियंका गांधी जी, और ये भी बताया जा रहा है कि जो रोड पे जहां जहां चौराहे हैं वहां वहां पूरी तरीके से उनके स्वागत की तैयारी भी की जा रही है, और आलमबाग और कृष्णा नगर, आलमबाग और हुसैनगंज चौराहे पे, बैलिंटन चौराहे पे, हर जगह हर चौराहे पे उनका स्वागत होगा, और उसी रास्ते से ये आलमबाग होते हुए जो है ये अपने कार्यालय जाएंगे, जहाँ पे लोगों से भी बैठक करेंगे और जो इनके कार्यकर्ता हैं वो भी इनके साथ में रहेंगे। पूरी तरीके से तैयारी हो गई है 2022 के चुनाव को लेके, कहीं ना कहीं ये 3 दिन की जो बैठक होगी
ये जो है चर्चे भी होंगे 2022 के चुनाव को लेके। बिल्कुल शमशाद, लंबा दौरा है प्रियंका गांधी का, 3 दिन तक वो यहीं रुकने वाली हैं और 3 दिन तक वो लगातार बैठकें करेंगी, चर्चाएं करेंगी कि किस तरह से वो योगी सरकार के खिलाफ मुखर हो और किस तरह से कार्यकर्ताओं में वो नया मंत्र भी कोई ना कोई जरूर लेकर आ रही होंगी जिसे वो फूंकने की कोशिश करेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो बैठक होगी वो उनके काफी जो भी बड़े जो उनके नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो भी शामिल होंगे और कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को लेकर कोई मंत्र भी उनको दिया जाएगा, क्योंकि जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके जो कांग्रेस पार्टी उतरती है ये देखने की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है इसके भी चर्चे जो हैं कांग्रेस पार्टी कर रही है, विरोध कर रही है और धरना प्रदर्शन भी वो करती हुई नजर आ रही है महंगाई को लेके, गरीब और जो शिक्षक है जिनको नौकरी नहीं मिली उनको भी लेके कहीं ना कहीं चर्चे होंगे। कार्यकर्ताओं को लेकर शमशाद किस तरह का जोश आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पर लगातार आप इसकी जानकारी हम तक साझा करते रहते हैं, तो किस तरह की तैयारियां की हुई हैं कार्यकर्ताओं ने, कैसा जोश है उनके अंदर, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा अक्सर जब भी लखनऊ आगमन पर आती है, यूपी की सियासत से जब वो जुड़ती है तो कार्यकर्ताओं में हमेशा शमशाद आपने भी देखा होगा कि अलग सा ही एक रोष और अलग सा ही एक जज्बा पैदा हो जाता है चुनावों की तैयारियों को लेकर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से जनता के बीच में जब उनका राजा आता है तो उनकी और भी जोश बढ़ जाते हैं, वैसे प्रियंका गांधी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की जो हैं एक अच्छी नेता हैं जो अब इस समय राजनीतिक नखरों में आने वाली हैं, जिसमें जो है कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर काफी जोश दिख रहा है और बैनर भी उनके लगाए गए हैं सड़कों पे और काफी जो है भीड़ भी जमा हो रही है उनको देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आ रही हैं तो उनसे मिलने की जो ख्वाहिश है जनता को और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल शमशाद, और ये हर बार देखा हुआ है कि अगर पिछली बार के चुनाव की बात करें तो प्रियंका गांधी ने पूरे जोश के साथ उत्तर प्रदेश में एंट्री की थी और वही जोश हम अभी भी देख पा रहे थे। कुछ समय पहले तक प्रियंका गांधी की सक्रियता बहुत ज़्यादा थी, चाहे वो घाटों पर जाकर स्नान करना हो, डुबकी लगानी हो या फिर मंदिरों के दर्शन करने हो, तमाम तरह की गतिविधियाँ हमने देखी, चाहे वो हाथरस कांड रहा उसको लेकर भी उन्होंने अपनी आवाज़ मुखर करी हो और लगातार वो यूपी के मुद्दों पर खुलकर बोलती भी रही हैं, लेकिन बीच में हालांकि वो कुछ समय के लिए बीच में उनके अनुपस्थिति मौजूद दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक बार फिर विपक्षी पार्टियों ने ये समझ लिया है कि प्रधानमंत्री के आगमन के बाद से एक तरह से जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसको लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और सबको समझ में आ गया है कि अब वक्त आ गया है। जी जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री का भी दौरा लगातार बनता चला आ रहा है अपनी पार्टी को जिताने के लिए, क्योंकि 2022 का चुनाव है तो जो विपक्ष पार्टी है वो भी पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है, मगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यूपी में आज जो है जनता के बीच का भी दौरा होगा, जनता से भी जो है मुलाकात करेंगी और उनसे भी उनकी परेशानी भी पूछेंगी और जनता के बीच में भी अपना प्रचार करते हुए नजर आएंगी। बिल्कुल शमशाद, जनता के बीच उतरना भी बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव का रास्ता और आपकी गद्दी तक का रास्ता, जो कुर्सी तक का रास्ता है वो जनता ही तय करती है, तो उतरना तो जमीन पर ही पड़ेगा और जनता से तो मिलना जरूरी हो ही जाता है। अमेठी का भी शमशाद दौरा है उनका। जी अमेठी का भी दौरा है, वहां भी कई लोगों से मुलाकात होगी, जो व्यापारी हैं उनसे भी मुलाकात होगी और जो स्टूडेंट हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनके भी मंच पे जाके वो मुलाकात करेंगे, उनकी भी परेशानी सुनेंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो है नौकरी का झांसा दे के उनको नौकरी नहीं मिली है, क्योंकि 2015 को नौकरी का फॉर्म जो स्टूडेंट थे वो भरे हुए थे मगर अभी तक उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और बात करें महंगाई की तो महंगाई इस तरह से बढ़ती चली आ रही है, डीजल पेट्रोल और गैस सिलेंडर की बात करें तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर भी जो है ये बातें जो है प्रियंका गांधी जी जो हैं वो पता करेंगी और पूछेंगी, जनता के बीच में भी रहेंगी। बिल्कुल शमशाद, जरूरी है और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, आप तमाम जानकारी साझा करते रहिएगा, अपडेट बनाए रखिएगा। तो आज प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ दौरे पर हैं और इसी को लेकर हमारे साथ कांग्रेस के नेता आशीष कोटारिया भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आशीष आपका। आशीष, अब सक्रियता बढ़ गई है क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, तो प्रियंका गांधी का 3 दिन का दौरा है, क्या कुछ तैयारियां होंगी कांग्रेस के बीच? देखिए, चुनाव
चुनाव को केंद्र में रखकर प्रियंका गांधी जी का ये लखनऊ का दौरा नहीं है, ये लखनऊ का दौरा है लखनऊ की प्रजा उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। जिस तरीके से मोदी सरकार के शासन में पिछले 5 वर्षों में महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, पेट्रोल और डीजल का मूल्य आज देश में आसमान छू रहा है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून के शासन को दरकिनार करके माफियाओं का जो शासन है उसको केंद्र में रखकर प्रियंका गांधी जी आज जनता के बीच में जाएगी, क्योंकि ये सर्वविदित है और सभी लोगों ने स्वीकार भी किया है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान भयावह स्वरूप देखने को मिला और जिस तरीके से गंगा के तट पर लाशों का को ढेर लग गया था लाशों का, ये योगी सरकार के कुशासन को दर्शाता है। और प्रियंका दीदी सदैव उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रहती है, जो आपने हाथरस के दौरान भी देखा था कि जिस तरीके से दलित परिवार को मिलने के लिए राहुल जी और प्रियंका जी पहुंच गए थे, ये दौरा चुनाव को केंद्र में रखकर नहीं करते। और मैं आपको बता देता हूँ जी, जी बिल्कुल आप ये चीज कह रहे हैं मैं बिल्कुल मान लेती, अगर चुनाव नजदीक ना होते और इस तरह से राज बैठके ना हो रही होती तो मैं मान लेती कि इसे चुनाव से जोड़कर हम चलिए नहीं देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अहम हो जाता है क्योंकि बैठक तो आज कार्यकर्ताओं के साथ भी है, तो कोई ना कोई मंत्र तो लेकर आ रही होंगी ना वो। देखिए अवश्य कार्यकर्ताओं से मिलना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सदैव से उद्देश्य रहा है, क्योंकि देखिए पार्टी सदैव कार्यकर्ता से चलती है। तो प्रियंका दीदी जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है तब से वे कार्यकर्ताओं से नजदीक रहती है और उनके निकटतम रहती है और उनसे सुझाव लेने का कार्य करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूर्णतः रूप से सक्रिय हुई है और चुनाव भी नजदीक है। एक आखिरी सवाल, कौन से वो मुद्दे होंगे लेकिन, क्योंकि जमीनी स्तर पर मजबूती देनी है कांग्रेस को, लगातार प्रियंका गांधी जब भी आती है तो हमने देखा है कि चुनावों को लेकर वो एक अलग ही जोश कार्यकर्ताओं के अंदर भर कर जाती हैं और वही जोश भरने एक बार फिर से वो 3 दिन के लिए दौरे पर आ रही हैं, तो वो कौन से मुद्दे होने वाले हैं जिसको लेकर वो मुखर होंगी और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी? हमारे वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो प्रमुख मुद्दे होंगे उसमें शामिल है महंगाई, पेट्रोल और डीजल की निरंतर बढ़ते मूल्य, उत्तर प्रदेश में कानून के शासन को प्रस्थापित करना और माफियाओं को पूर्ण तरीके से बेदखल करना, और चौथा मुद्दा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज अल्पसंख्यक समुदाय हो, दलित वर्ग हो, समाज का पिछड़ा वर्ग हो और उनके साथ जिस तरीके से योगी जी की सरकार भेदभाव कर रही है उसको पूरी तरीके से निकालना और एक सामाजिक न्याय को स्थापित करना, आर्थिक और राजनीतिक समानता को पूर्ण तरीके से प्रतिस्थापित करने का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का होगा और ये अतीत से ही हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हम कदापि अपनी आइडियो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष कोटाडिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी बताने के लिए कि किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ दौरे पर है और कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश भरने की कोशिश की जाएगी। हालांकि देखना ये अहम होगा कि कांग्रेस की जो जमीन है उत्तर प्रदेश में जो कहीं ना कहीं मजबूती खो चुकी थी उसे एक बार फिर से मजबूती कैसे प्रियंका गांधी दे पाएंगी। वहीं बढ़ते आगे, कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई लेकिन तीसरी लहर का डर लोगों को सता रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्शन मोड में आ गए। पीएम मोदी आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करेंगे और वहां के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इन राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरल शामिल है। प्रधानमंत्री की बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। ये वो राज्य हैं जहां कोरोना के केसों की रफ्तार में बाकी राज्यों जैसी कमी नहीं देखने को मिली है। इससे पहले पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों से मुख्यमंत्रियों से भी बैठक की थी। आगरा में समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का मामला सामने आया है। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद एसपी सिटी रोहन बोत्रे ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि कल प्रदेश की सभी तहसीलों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। आगरा में भी सपा की महानगर इकाई ने प्रदर्शन किया। इसी दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का मामला सामने आया है। सपा के कार्यकर्ता पार्टी और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तभी बीच में से कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाता सुनाई दिया। वहीं हिंदीवादियों ने सपा शहर अध्यक्ष और अन्य सपाइयों के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। आज हिंदूवादी एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे।
समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट आज उन्होंने सदर जो तहसील है वहाँ पे किया था, और उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई व्यक्ति पाकिस्तान जनता पार्टी के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहा है। इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को भी चेक किया जाएगा, साथ ही में कौन व्यक्ति है इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसकी जाँच अभी की जा रही है और जाँच के ऊपर। औरैया के इरवा कटरा थाना क्षेत्र के ग्राम नेहरा बोझ में खेत के बंटवारे को लेकर बवाल हो गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को सीएससी इरवा कटरा लाया गया, जहां हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने सेफआई पीजीआई रेफर कर दिया है। वहीं थाना अध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा कि मामले की जाँच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला तो ये है कि चकबंदी मेरे यहाँ चल रही थी, तो हमारा गाँव मेरा खेत बन गया था रोड के किनारे, वो ज़बरदस्ती उसमें कब्जा कर रहे थे। कौन कब्जा कर रहा था? शिविर सिंह के लड़के शीलू और नीरज, ये लोग कर रहे थे। कहाँ के निवासी हैं ये लोग? वो भी नहरी बोझ के निवासी हैं। और एक है कन्हैया और सुंदर, ये दिनेश के लड़के हैं। लगभग 5-7 लोग इकट्ठा करके मेरी जगह छीन रहे थे और छील के मतलब। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, पुलिस महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जायजा लिया गया। श्रद्धालुओं के आने जाने वाले कांवड़ मार्गों का भी निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। हमीरपुर जनपद में चोरों के हौसले बुलंद हैं, चोरों को पुलिस का खौफ नहीं रहा। जनपद में चोरी और लूट होना आम बात हो गई है। बता दें कि मोबाइल की दुकान पर चोरों ने धावा बोल दिया, जहां से चोर चोरी करके मोबाइल फोन ले गए। वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गए। लाइव चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रायबरेली में भ्रष्टाचार में डूबे आरटीओ विभाग का कारनामा उजागर हुआ है। आरटीओ की मिलीभगत में मोरंग माफियाओं के ओवरलोडिंग का खेल चल रहा है। बता दें कि मोरंग माफिया 1000 से 1200 तक लात कर खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। ओवरलोडिंग के साथ साथ ये मोरंग माफिया नंबर कालिक पोत कर खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस विभाग हो, आरटीओ विभाग हो, किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। तो खुलेआम ये वाहन किस कदर नंबर प्लेट पर कालक पोत कर घूमते दिखाई दे रहे हैं। 1000 से 1200 मोरंग किलो डालकर ये वाहन, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, नंबर प्लेट पर कालक पुती होती है और ये बेधड़क बिना किसी डर के शहरों में चक्कर काटते रहते हैं। इन पे हमारा तो टारगेट है ओवरलोड वाहनों को पकड़ने का, और हर महीने कार्रवाई की जाती है, और हमारा 24 लाख मंथली जिनसे सीएफ वसूलने का टारगेट है, इन्हीं वाहनों से कार्रवाई करके हमारा अभी इस महीने का लगभग 22 लाख हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं टारगेट। नहीं, गाड़ियां चल भी रही हैं, कार्रवाई भी हो रही है उन पे। हाँ, उस पर भी हमारे यहाँ चालान में ऑफेंस है। अगर आपने नंबर में कोई हेर फेर किया है या नंबर आधा लिखा आधा नहीं लिखा है, तो उस पर एक जुर्माना है उसका। भाजपा सरकार के द्वारा आम जनता के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये सभी योजना गरीब और असहाय लोगों के लिए कितना कारगर साबित हो रही है, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है, जहां योजनाओं का लाभ लेने के लिए लंबे समय से भाजपा का पदाधिकारी अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक गया है, लेकिन योजनाओं का लाभ उसे नहीं मिला। बता दें कि अलीगढ़ के कस्बा इगलास निवासी प्रहलाद अग्रवाल काफी सालों पहले भाजपा के नगर उपाध्यक्ष इगलास के पद पर आसीन थे, लेकिन समय बदलता गया तो उनके पदों में भी बदलाव होता रहा। चेहरे सामने आने के से उनके द्वारा भाजपा के लिए की गई मेहनत बेकार हो गई। अब वो भाजपा के लिए कार्यकर्ता के रूप में है, लेकिन भाजपा के पदाधिकारी के द्वारा गरीब और अपने परिवार की दुर्दशा को देखकर आवास योजना के लिए आवेदन किया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। जब इसकी शिकायत तहसील में की गई तो भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा मामला है, मुझ पे न तो जगह है न कुछ भी है। भारतीय जनता पार्टी में पूरा जीवन निकाल चुका हूँ मैं। तहसील दिवसों में जिस दिन से सरकार आई है उस दिन से शिकायतें हैं मेरी दसों मेरे पास प्रूफ हैं, कागज रखता हूँ, रजिस्ट्रियाँ। मैंने सरकारी आवास मुख्यमंत्री पे भी मैंने रजिस्ट्रियाँ की,
प्रूफ है मेरे पास, तहसील के बच्चों के प्रूफ हैं, डीएम साहब के यहाँ भी मैंने रजिस्ट्रियाँ की, पोर्टल के भी प्रूफ हैं, पोर्टल में भी शिकायत दर्ज की, आज तक कोई भी जू नहीं रखी। वैसे योगी जी जो कहते हैं 3 दिन में शिकायत का निस्तारण हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं किसी को बिना छत के नहीं रहने दूंगा। मैं 25 साल से किराए पर रहता हूँ, पूरा जीवन पार्टी में निकाल चुका हूँ, दांत तो भर गए, कोई पूछता भी नहीं है मेरे को। जो भ्रष्ट हैं यहाँ के जितने पदाधिकारी हैं वो सब जानते हैं, जिले तक के जानते हैं, इतना ताकतवर हर चीज़ रखता हूँ। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।